हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर शैलेंद्र गंगवार। वेलकम टू माय सेशन। और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ शैलेंद्र गंगवार, आई हैव डन बीटेक, एमटेक, गेट क्वालिफाइड प्लस वेरीफाइड एजुकेटर एंड आई मेंटर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप इसे ओपन कर लें और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन कर लें फॉर क्लास नोट्स एंड अपडेट्स के लिए। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स। हमारी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के बेनिफिट्स क्या हैं? आपको यहाँ पे मिलता है लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज, आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल ऑप्शंस फॉर क्यूज एंड पोल लीडरबोर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत ही बेहतरीन फीचर हमारा है अनअकैडमी का, अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस का। ठीक है, तो आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाएं और मेरी आने वाली अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के लिए आप लोग इनरोल कर लें। अनअकैडमी की मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो डेली इन द मॉर्निंग 6 AM एंड 3 PM। डेली मेरी क्लास 6 AM मॉर्निंग में और एक क्लास 3 PM पे होती है। 6 AM की क्लास में हम रिविजन मैराथन्स कर रहे हैं फॉर क्लास 10th टर्म 2 के लिए, और 3 PM पे हम एक एग्जाम रेडी मॉक टेस्ट पेपर करते हैं। तो अगर आपने इन क्लासेस के लिए इनरोल नहीं किया है तो आप इन क्लासेस के लिए इनरोल कर लें। अगर अपनी स्टडी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लान लें। और हमारे प्लस प्लान के बेनिफिट्स क्या है? आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन मैं आपको प्लस की जगह आइकोनिक का प्लान सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आइकोनिक के प्लान में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लाइक आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मेटर मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है एंड टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो एज कंपेयर टू प्लस, आइकोनिक हमारा एक बहुत ही बेनिफिशियल हमारा प्लान है। तो अगर आप प्लस की बजाय आइकोनिक का प्लान लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लस प्लान की कॉस्ट हमारे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 2-year plan, 1-year plan, 6-month, 3-month एंड 1-month। मैं आपको यहाँ पे 2-year and 1-year का प्लान आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इसकी कॉस्ट हमारी 722 rupees पर मंथ और इसकी कॉस्ट हमारी 1031 rupees पर मंथ। एक कॉस्ट और भी कम हो जाएगी अगर आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल करेंगे सेल, आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और यहाँ पे 2-year plan की कॉस्ट हो जाएगी 650 rupees पर मंथ एंड 1-year plan की कॉस्ट हो जाएगी 928 rupees पर मंथ। मैं अगर आइकोनिक के प्लान्स की बात करूं तो आइकोनिक के यहाँ पे 2 plans गिवन है, 2-year and 1-year। यहाँ पे 2-year plan की कॉस्ट हमारी है 2138 rupees पर मंथ एंड 1-year plan की कॉस्ट कितनी है 2663 rupees पर मंथ। यहाँ भी अगर आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल करेंगे सेल, आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और यहाँ पे 2-year plan की कॉस्ट हो जाएगी 1924 rupees पर मंथ एंड 1-year plan की कॉस्ट हो जाएगी 2396 rupees पर मंथ। अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेके आया है अपनी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से करने का। अनअकैडमी इमर्ज में आप CBSE क्लास 10th और क्लास 10th के अगर बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो आप अनअकैडमी इमर्ज में पार्ट लें और यहाँ पे अपने प्रिपरेशन के लेवल को चेक करें। 5th मार्च से 8th मार्च के बीच में 5 PM ऑनवर्ड्स आपके ये टेस्ट होंगे। तो इन टेस्ट में इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करें, दैट इज SHAILSEL। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे अनअकैडमी इमर्ज का लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम एक टॉपिक
डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ना कि एपी में, अब ये हमारे और भी बहुत सारे जगह ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस्तेमाल होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज सबसे पहले इसका डेरिवेशन समझेंगे कि हम कैसे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी कैलकुलेट करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए इज अ फर्स्ट टर्म, हम ए को क्या करते हैं, ठीक है, ए को फर्स्ट टर्म यहाँ पे मान लेते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये दो चीजें क्या की हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लिए ए एंड डी। अगर मुझे सभी टर्म्स का सम निकालना है तो टर्म्स क्या होंगी, फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एन माइनस वन टर्म एंड ए एन टर्म। तो जितनी भी टर्म्स हमारी एपी में गिवन है, अगर मैं सभी टर्म्स को क्या कर लूं, ऐड कर लूं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी यहां पे मिलता है। तो इन सभी टर्म्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सभी को ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक टेबल रिप्रेजेंटेशन यहां पे नोट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं ए वन की बात करूं, ए वन मीन्स अवर फर्स्ट टर्म, ए वन इज फर्स्ट टर्म, तो ए टू हमारी कौन सी है, ए हमारी सेकेंड टर्म है। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पे आने के लिए हम कॉमन डिफरेंस को यहां पे ऐड ऑन करते हैं, तो हमारी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हमारी यहां पे हो जाएगी। फाइन, अगर सेकेंड टर्म से मुझे थर्ड टर्म पे आना हो तो मुझे यहां पे फिर से कॉमन डिफरेंस को यहां पे ऐड करना पड़ेगा और हमारी थर्ड टर्म यहां पे निकल के आ जाएगी, दैट इज ए प्लस टू डी। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम यहां पे ए एन माइनस वन कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा। इसी तरीके से हम ए एन कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहां पे निकल के आएगा। तो हमने इसे इन सभी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर रखा है फर्स्ट कॉलम में। हम क्या करेंगे, अब सेकंड कॉलम में हम इसे रिवर्स ऑर्डर में नोट कर देंगे। सबसे पहले हम nth टर्म नोट कर लेंगे, फिर n माइनस वन टर्म नोट कर लेंगे, और a n माइनस टू टर्म नोट कर लेंगे, a2 नोट कर लेंगे, एंड a1 यहां पे नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में जो हमारी n टर्म्स हैं वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, और सेकेंड कॉलम में जो हमारी n टर्म्स हैं वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, अगर मैं सभी टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो हमें किसके बराबर मिल रहा है, ए हमें मिल रहा है एस एन के बराबर। तो मैंने सभी को ऐड कर दिया और मुझे यहां पे क्या मिल गया, एस एन मिल गया। नंबर्स को चाहे मैं असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करूं चाहे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करूं, मुझे वहां पे क्या मिलेगा, एस एन ही यहां पे मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट कॉलम के नंबर्स को ऐड किया, मुझे एस एन मिल गया। मैंने सेकेंड कॉलम के नंबर्स को ऐड किया, मुझे एस एन मिल गया। और इस एस एन और इस एन को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा टू टाइम्स ऑफ एस एन, मुझे यहां पे मिल जाएगा। अब हमारे थर्ड कॉलम किसके लिए है, थर्ड कॉलम का मतलब है हम फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के फर्स्ट रो से क्या करेंगे, हम यहां पे ऐड करेंगे। तो हमने थर्ड कॉलम में ए वन और ए एन को मैंने ऐड किया, जैसे ही मैंने ए वन और ए एन को ऐड किया तो हमारा यहां पे ए है, यहां पे ए है, ए प्लस ए कितना हो गया, ए हमारा टू ए हमारा यहां पे हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने ए टू प्लस ए एन माइनस वन को ऐड किया, ए प्लस ए कितना हो गया, टू ए हो गया, और दूसरे वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड रो को ऐड करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिलता जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से हम सभी को ऐड कर लेंगे और सभी को ऐड करने के बाद मुझे यहां पे मिल जाएगा क्या, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल जाएगा। तो थर्ड कॉलम में सभी रो में हमारा सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स हमारे पास है एन टर्म्स। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
सभी को ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा n इंटू टू एन सॉरी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा टू एस एन के बारे में बात करें तो हमारा टू एस एन एक किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर हो चुका है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर से मैं आपको प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा देता हूं। हमने सभी को ऐड कर लिया जो हमारे थर्ड कॉलम में थे। थर्ड कॉलम में सभी रो में हमारा सेम नंबर है। सेम नंबर कितनी बार है हमारा, एन टर्म्स हमारे पास हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड करने के लिए सिर्फ एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल टर्म को। तो हमें यहाँ पे मिल गया टू एस एन इजक्ल टू एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमारा एस एन का फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट इज एस एन इजक्ल टू एन अपॉन टू इंटू कितना हो गया, ये हमारा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, हम इसे एक फॉर्म में और नोट कर सकते हैं। और वो हमारा कौन सा फॉर्म है, वो हमारा है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो एस एन आपका हमारा निकल के आया, एस एन इज कितना है हमारे पास, एन अपॉन टू हमारे पास है। टू ए को मैंने नोट कर लिया, ए प्लस ए के फॉर्म में नोट कर लिया, और ए हमारा हो गया एन माइनस वन इंटू डी। कितना होगा, एन माइनस वन इंटू डी हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हम बस इसे रीअरेंज कर रहे हैं और इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो हमारा एन अपॉन टू हो गया, इंटू कितना हो गया, ये हमारा ए हो गया प्लस, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हमारे क्या होती है, एनथ टर्म हमारे पास होती है। ठीक है, तो हमारा एस एन के हमारे दो फॉर्म यहाँ पे निकल के आ गए। ठीक है, और ए एन को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, हम इसे लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया एन अपॉन टू ए प्लस ए एन का मतलब हो गया, हम इसे लास्ट टर्म से भी क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो सभी को क्या हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला समझ में आ गया? आई थिंक सभी को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। नंबर वन, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमें यहाँ पे एक सीरीज गिवन है और यहाँ पे हमें एन टर्म्स गिवन है और हमें एन टर्म का क्या करना है, सम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसे टू पार्ट में ब्रेक कर लिया। हमने क्या किया, इसे टू पार्ट में ब्रेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रही है हर टर्म में। हमने इसे टू पार्ट में ब्रेक किया। सबसे पहले पार्ट में मैंने फोर को ले लिया, फोर प्लस फोर प्लस फोर, और हम इसका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और लास्ट टर्म भी कितनी होगी, फोर होगी। और यहाँ पे ये जो टोटल टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स हैं, ये हमारी एन टर्म्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे क्या है, माइनस का वन अपॉन एन, माइनस का टू अपॉन एन, माइनस का थ्री अपॉन एन, इस तरीके से हमें गिवन है। तो हमने माइनस क्या किया, माइनस का वन अपॉन एन क्या हो गया, माइनस का वन अपॉन एन हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिलेगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश, टोटल कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए एन हो गया। ए कितनी हो गई, यहाँ भी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, सिमिलर हमारा यहाँ पे एन टर्म्स की बने। तो अगर मैं पहले वाले में अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो हमारी सभी टर्म्स सेम होती हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, फोर इंटू एन हमने नोट कर लिया। ठीक है, माइनस का वन अपॉन एन हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम वन प्लस टू प्लस थ्री में हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो एस एन का हमारा फॉर्मूला क्या है, हम अभी पढ़ चुके हैं, एन अपॉन टू, तो हमने नोट कर लिया एन अपॉन टू। ठीक है, इंटू हमारा कितना हो गया,
इंटू हमारा हो गया टू इंटू ए, ए इज द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज वन, तो ये हो गया टू इंटू वन हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस आएगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जुकेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, दो कॉन्जुकेटिव टर्म का हमारा जो डिफरेंस होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सेकेंड टर्म टू है, फर्स्ट टर्म वन है, तो यहां से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा वन यहां पे निकल के आ गया, वन को हमने यहां पे पुट कर दिया। फाइन, फर्दर से सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया फोर एन माइनस का कितना हो गया, वन अपॉन एन हो गया, इंटू कितना हो गया, ए एन अपॉन टू है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल गया टू प्लस का एन माइनस वन मुझे मिल गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, अब वन अपॉन एन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया माइनस का वन अपॉन टू और यहाँ पे कितना आ गया, टू में से वन गया, दैट इज वन हो जाएगा पॉजिटिव का, तो हमारा एन प्लस का वन हो गया। अगर मैं इसे और फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एट एन माइनस का एन माइनस का वन डिवाइड वाई, हमारा टू यहाँ पे निकल के आएगा और एट एन में से हमारा एन गया, दैट इज इस सेवन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम्स में ए वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है, इज दैट क्लियर, सभी को हमारा ए वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, जस्ट लेट मी नो। ओके फाइन, चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ए है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, हमें इस सीरीज में क्या करना है, हमें सम कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही मैंने सीरीज को देखा तो मुझे एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि जो सीरीज है ये दो सीरीज हैं, एक सिंगल सीरीज नहीं है। हमने देखा पॉजिटिव वाला 5 है, फिर 9 हमारे पास है, फिर 13 हमारे पास है, हमारे पास 17 हमारे पास है, 81 हमारे पास है। तो एक तो पॉजिटिव की सीरीज आपको दिख रही है, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाली सीरीज को मैंने यहाँ पे अलग नोट कर लिया। ये हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव वाली सीरीज है, मैंने इसे यहाँ पे अलग नोट कर लिया। इसी तरीके से मैंने देखा एक हमारी नेगेटिव वाली सीरीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, दैट इज -41 -39 -37 -5 एंड -3 मुझे यहाँ पे दिखा। तो ये हमारी दूसरी, हमें यहाँ पे क्या दिखी, हमारी सीरीज यहाँ पे दिखी। तो इसे अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, तो मैंने क्या किया, इसे टू पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक मैंने पॉजिटिव वाली सीरीज ले ली और एक मैंने नेगेटिव वाली सीरीज ले ली, और दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पार्ट वन में यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट सीरीज को यहाँ पे इसका सम निकालना चाह रहे हैं। तो अगर मुझे सम निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करूँ तो मुझे क्या गिवन है, अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करूँ तो मुझे गिवन है कि फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 हमारा निकल के आ गया, और हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी हमारे पास है, 81 हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो हम जब सम का फॉर्मूला चेक करते हैं, हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। अब लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एल हमारा ए फॉर्मूला होता है। तो हमें अभी क्या नहीं पता है, हमें अभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एन इज इक्वल टू, एन को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा एनथ टर्म से हमारे फॉर्मूला बना है, और आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय द कॉमन डिफरेंस एंड प्लस का वन। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं और ये फॉर्मूला हमारा एनथ टर्म के फॉर्मूले से बना है। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी हमारे पास है, दैट इज 81, फर्स्ट टर्म कितने हमारे पास है, दैट इज 5,
कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज 4, एंड प्लस का 1 हो गया, 81 में से हमारा 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 76 अपॉन 4 हो गया, एंड प्लस का 1 हो गया, 4 वन जो 4 एंड 4 नाइन जो 36 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे 20 निकल के आ गई। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 20 निकल के आ गई तो अब हम अपना सम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 20 मिल चुकी हैं। फाइन, इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। और जो फर्स्ट पार्ट है इसके सम को मैंने यहाँ पे S1 नाम दे दिया, तो अब मैं S1 को कैलकुलेट कर लूँगा, बहुत आसान है। S1 का मतलब हमें फर्स्ट पार्ट का सम निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, n अपॉन 2, फॉर्मूला कितना है n अपॉन 2, ये टॉप पे मैंने नोट कर रखा है, n की वैल्यू कितनी होगी 20, 20 अपॉन 2 हो गया, फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास है दैट इज 5, लास्ट टर्म कितनी हमारे पास है दैट इज 81, तो यहां से मुझे मिला 10 और 81 और 5 कितना हो गया दैट इज 86, और हमारा फर्स्ट पार्ट का सम कितना आ गया 860 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, होपफुली सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। फाइन, कोई डॉट किसी बच्चे का, ओके बढ़ते हैं आज इसके जो सेकंड पार्ट है, अगर हम सेकंड पार्ट को कैलकुलेट कर लें, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा इस पूरी सीरीज का सम यहां पे निकल के आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट को हम सेकंड स्लाइड में चेक करते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अगर हम गिवन को चेक करें, क्या गिवन है, जो मेथड हमने प्रीवियस पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया उसी मेथड को यहां पे क्या करेंगे हम इस्तेमाल करेंगे। हमें यहां पे गिवन है फर्स्ट टर्म दैट इज -41, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज -39 माइनस का फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा -39 प्लस का 41 और कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस का 2 यहां पे निकल के आ गया। लास्ट टर्म के बारे में बात करें तो लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज -3, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप हमारा है वो हमारा क्या है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमने प्रीवियस पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल भी किया है। लास्ट टर्म कितनी हमारे पास है -3, फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास है दैट इज माइनस का 41, कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास है दैट इज 2 और प्लस का कितना हो गया 1 यहां पे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 41 में से 3 गया दैट इज 38 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस का कितना आ गया 1, तो यहां भी जो हमारी टर्म्स हैं वो सिमिलर टर्म्स आ रही हैं दैट इज 20। नंबर ऑफ टर्म्स इस वाले में भी कितनी है हमारे पास 20 यहां पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट के सम को मैंने यहां पे नाम दे दिया, ये हमारा S2 सम है, तो हमारा S2 क्या निकल के आएगा, S2 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है 20, 20 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, और यहां पे कितना होगा दैट इज a, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 41, और फिर हमारा क्या आएगा a प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी हमारे पास है दैट इज -3 हमारा यहां पे हो गया, ये हमारा 10 हो गया, और यहां पे कितना जाएगा 41 एंड 3 माइनस का 4 हो गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई -440 यहां पे निकल के आ चुकी है। फाइन, अब हमें क्या करना है, अगर पूरी सीरीज का मुझे सम चाहिए तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा S इज इक्वल टू S1 प्लस यहाँ पे S2 होगा इज इक्वल टू, S1 की हमारी क्या वैल्यू निकल के आई थी, हमारे पास जो S1 की वैल्यू निकल के आई थी 860, S1 की वैल्यू कितनी है 860, S2 की वैल्यू कितनी है -440, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज 420, तो यहाँ से इस पूरी सीरीज का जो हमारा सम है वो हमारा 420 यहाँ पे निकल के आ चुका है। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आज के कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में हमने डेरिवेशन ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए बी समझा, दो एग्जांपल से हमने उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की, ठीक है। अब मेरा जो आने वाला प्लस कोर्स है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा एक प्लस कोर्स दैट इज
हाई रैंकिंग प्रैक्टिस कोर्स हमारा है और ये NTSC के लिए हमारा एक प्रैक्टिस कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 5th मार्च टू 12th मार्च। टाइमिंग क्या है, 9 PM इसकी टाइमिंग है। अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं तो मेरे इस बैच कोर्स में आप लोग इनरोल कर लें, और अगर आप प्लस पे नहीं हैं तो प्लस पे आने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करें, दैट इज SHAIL सेल। हमारे और जो प्लस कोर्स अभी चल रहे हैं, एक संपूर्ण बैच फॉर NTSC स्टेज वन हमारा चल रहा है, सोहन सर मैथ्स, विवेक सर फिजिक्स, प्रशांत सर बायोलॉजी, मृत्युंजय सर केमिस्ट्री, कृषांगी मैम SST और हर्षदीप सर यहाँ पे मैट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दो और हमारे प्लस कोर्स अभी यहाँ पे रनिंग में है, एक मिशन IMO बैच फॉर क्लास 10, पवन सर मैथ्स, सोहन सर मैथ्स और रजनीश सर आपको यहाँ पे मैट पढ़ा रहे हैं। एक हमारा क्विक रिवीजन बैच चल रहा है फॉर IOQJS, यहाँ पे अमृता मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, आशीष सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं एंड मृदुल सर आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आप इन बैच कोर्सेज में भी इनरोल कर लें अपनी स्टडी को और भी बेहतर करने के लिए। बक्स पॉन्टी, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई इन अप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पार्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। और अगर आप सबसे पहले पर्सन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे प्राइज भी मिलते हैं। ठीक है, रिपोर्ट एनी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट यूज इन द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। और रिपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म गिवन है, आपको बस उस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है बच्चों, और एट लास्ट अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का भी लिंक गिवन है, आप उसे ओपन करें, मुझे फॉलो करें और मेरी आने वाली क्लासेस के लिए आप लोग इनरोल कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप का भी लिंक गिवन है, आप उन्हें ओपन करके भी उन्हें भी ज्वाइन कर लें फॉर नोट्स एंड PDFs। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।